चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर मोहम्मद शबीर साहब। करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया, 48 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक आवास बनाए गए और लगभग 10 करोड़ महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन किया गया। किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देने का सरकार ने अपनी प्राथमिकता बनाई। जम्मू कश्मीर अभी आतंकवादियों का हॉट स्पॉट था, आज वो टूरिज्म और तरक्की के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, रोज पड़ोसी मुल्क की कॉल पर स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते थे, आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। अब वो दिन खत्म हो गए हैं जब किसी की कॉल पर स्कूल कॉलेज और व्यापार बंद होगा यहाँ। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप ही आने वाले भारत के और जम्मू कश्मीर के भविष्य, इसलिए आप अच्छे ढंग से पढ़ें, आपकी पढ़ाई अच्छे से चले और आने वाले दिनों में, आज आप अमृत काल में हैं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव से बाहर निकलकर शताब्दी वर्ष मनाए, तो इस भारत का नेतृत्व आप करें, आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए आवश्यक है अमन चैन और शांति। बिना शांति के, बिना अमन चैन के विकास के काम नहीं हो सकते, ये बात सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। पिछले साल आपको मालूम है कि 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस वर्ष ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ने वाली है। आप सब जानते हैं कि 150 दिन पहले हड़ताल के होते थे, हर साल 1 जनवरी को बाकायदा हड़ताल का कैलेंडर जारी किया जाता है। अब 365 दिन जनजीवन सामान्य रहे, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से चलें, इसकी हर कोशिश की गई है और इसमें सफलता भी मिली है। आपको मैं बताना चाहता हूं नौजवान मित्रों, आज 500 से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप जम्मू कश्मीर के नौजवान के कारण देश को उपलब्ध हो रहा है। आज अनेक लोग हैरान होते हैं कि कोरोना में जब अनेक राज्यों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी, तब भी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही थी। मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की मुहिम में देखें, बड़े कम समय में हमें अनेक इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल प्राप्त हुए और आज जमीन पर 24,000 करोड़ से ज्यादा के काम चल रहे हैं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि अगले 2 वर्षों में न्यूनतम 75,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में जमीन पर उतर जाएगा। अब केवल देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों के लोगों की भी रुचि है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। आज जम्मू कश्मीर देश की नई संभावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एप्पल, वॉलनट, चेरी, आलमंड ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। कृषि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 5,013 करोड़ की लागत से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर डेवलपमेंट प्लान के तहत 29 बड़े प्रोजेक्ट हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मिली, लंबे समय से देश को फिल्म सेक्टर, हेल्थ केयर, फार्मा, एजुकेशन, रियल इस्टेट, वैकल्पिक ऊर्जा, डेयरी, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इंडस्ट्री के लिए बहुत अवसर है और उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। ईज ऑफ लिविंग में जम्मू कश्मीर आज देश के टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में। स्वामित्व स्कीम में जम्मू कश्मीर देश का पहला यूपी है
जिसने प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले शुरू किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट में जम्मू कश्मीर फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल पंचायत जैसे अनेक गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव